एंड मैंने उनके साथ में पहला दफ्समच बनाया अपने ही गाने पे प्रेम रतन धन पायो एंड देन सो मैनी लाइक शाहरुख भाई मेट खजोल श्रीदेवी मैम एवरीबडी एवरीबडी आप नाम लो वहीदा रहमान जी ने बनाया मतलब मैं हैरान होती थी रोज आना रोज़ आना इतने बन रहे थे आई थिंक टिल डेट दैट सॉन्ग इज़ मोस्ट सीन ऑन यूट्यूब यू नो पहले तो लगा नहीं मुझे बहुत वक्त लगा यू you नो know? एक्सेप्ट करते करते कि अच्छा दो तो दिन आ गया बिकॉज यू नीड लाइन अप यू नीड दर बिग फिल्म बिग एक्टर बिग सॉन्ग लाइक दिस एंड इतना ज़्यादा कि आज तक मेरा ही गाना मेरे साथ कॉम्पिटिशन चल रहा है इतने गाने कर लिए ऑल हिट सॉन्ग्स बट आपने उसी का बारे में पूछा

नॉन हिट जो गाने होते हैं वो देखते ही नहीं है शायद लेकिन जैसे एक हिट गाना आता है सडनली एवरीबडी थिंक कि शी नोज एवरी थिंग नाउ तो दैट ट्रस्ट ऑफ फिल्म ऑन मी फेल्ट सो अमेजिंग नहीं तो मुझे बोलना पड़ता था ऑफिस नहीं मैं कर लूँगी आप एक गाना मत दीजिए क्योंकि एवरी कोरियोग्राफर ड्रीम इज़ टू गेट द एंटायर फिल्म तो दो गाने आप कर लो दो गाने वो सिलसिला मेरे साथ खत्म हो गया सबसे बड़ी बात वरना मुझे एक्सप्लेन करना होता कि मैं एक ऑलराउंडर कोरियोग्राफर हूँ एक कोरियोग्राफर सिर्फ एक गाना कर सकता है ऐसे थोड़ी होता है वन कोरियोग्राफर इज ऑफ डूइंग फिल्म सो नॉट उसके बाद लोग मुझे बोलने लगे आप पूरे फिल्म करिए क्योंकि तो प्रेम रतन आपने पूरी पिक्चर की आपने सब गाने बहुत अच्छे किए तो वो एक टूट गया फिर प्राइसिंग मतलब पैसे बहुत कम मिलते हैं कोरियोग्राफर्स को आज भी तो इट्स ओके बट वी गेट गुड अमाउंट ऑफ वर्क ऑल्सो सो वो बढ़ गए अपने आप अपने आप लोगों ने पैसे बढ़ा दिए फिर इज्जत मिलने लगी बहुत सारी जगहों पे अच्छी टीम थी वो टीम को भी अच्छा पैसा मिलने लगा और नाम हो गया आपका जब नाम हो जाता है अच्छे फिल्म मेकर से आप काम करते हो आप और इन्हांस करते हो काम को फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ यू नो ट्यूबलाइट आई गोट आई गोट राधे आई गोट मैनी मोर फिल्म ऑल्सो बट ये सारी फेमस फिल्म है जो मिलने लगी और डायरेक्टर्स का भरोसा आने लगा और प्रेम रतन धन पायो नहीं हो पाती अगर सूरज बर जाते जी का मुझ पर भरोसा नहीं होता सलमान सर स्टार इट ट्रस्टिंग मी सो मच टिल टुडे ही गिव्स मी वर्क लाइक राधे ही गेमी सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग देन अभी रिसेंटली भाईजान वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग ही कॉल मी एनी गेमी तो ये सारी चीज़ें आप गें कर लेते हो तो इसके बाद में आपका सफर आसान हो जाता है लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं आपकी एक अपनी ऑडियंस बन जाती है सो so, उसके बाद फिर मेरे बकेट लिस्ट में कुछ और चीजें थी मैंने वो पूरा करने की कोशिश की और अब मैं वो भी कर रही हूँ